सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारा ये जो डेली का सेशन होता है एमपी सब इंस्पेक्टर जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व कराते हैं। तो आज की शिफ्ट है 2016 की 10 सितंबर सेकंड शिफ्ट है। चलिए तब तक आपके कमेंट्स देख लेते हैं, क्या कमेंट्स हैं आपके। स्वागत है आप सभी का, आइए जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए सेशन को फटाफट। और आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए और सेशन को शेयर कीजिए, लाइक करते जाइए। ठीक है, भारत में ऐसा ही चलता है, जानबूझ के नहीं होता, वो कुछ ना कुछ इतने काम पड़े होता है ना कि वो हो ही जाता है। जय श्री महाकाल। चलिए, बुल बैटिंग जल्लूकट्टी क्या है? जल्लीकट्टू का एक पारंपरिक खेल है जो किस राज्य में खेला जाता है? एक दिन और के शिफ्ट में एसआई में आया था उसी, है ना, और ये 2016 में जब आपका 10 सितंबर को पेपर हुआ था तब भी आया था। तो केरला में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो आपको मालूम है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये इनका पारंपरिक खेल है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये खेल को खेलते हैं। और इससे कई बार लोगों की जान चली जाती है। होता क्या है कि जानवरों के साथ, बैलों के साथ मनुष्यों को क्या किया जाता है, लड़ाया जाता है। तो ये खेल बड़ा खतरनाक है, बुल बैटिंग, बुल फाइटिंग का। आगे चलते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? Which planet is closest to the sun? अगर हम ये सन की बात करते हैं तो ये आपका कौन कौन सा, मैं सारे के सारे ग्रह बना दे रहा हूं, है ना। My very efficient mother just served us nuts, मतलब मरकरी हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, है ना। फिर मून आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बुध क्या क्या है ये आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ऐसे करके ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके प्लैनेट्स। अब सूरज के सबसे नजदीक तो बुध है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इस पर, इस पे आपका तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, तो आपके सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन होगा। अच्छा, आपके सामने एक लिंक चल रही है, लाइव टुडे 7 PM MPSI स्पेशल इंट्रोडक्शन टू रीजनिंग, मतलब शाम 7 बजे से डेली MPSI के लिए रीजनिंग की क्लास चला करेगी। आप लोगों को उस क्लास में भी आना है, रीजनिंग की जो क्लास होगी शाम 7 बजे से डेली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंप्यूटर की बात हो रही है, विंडो क्या है, विंडी क्या है, विंडीज इन कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ, ये विंडोज होना चाहिए। कंप्यूटर में किस प्रकार का है, ये कंप्यूटर में किस प्रकार का है, तो ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या दोनों है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में देखा जाए तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगणक बोला जाता है कंप्यूटर को, है ना। और अगली बात करें तो इसमें क्या कहता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बैबेज। क्या इनका, चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और विंडोज का जो एक प्रकार है वो कौन सा, सॉफ्टवेयर इसका प्रकार होता है विंडोज का, हार्डवेयर नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर विंडोज का प्रकार होता है, हार्डवेयर नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और आगे बढ़ते हैं, अपन एक और चीज आ जाए कि इसका 1822 में चार्ल्स बैबेज ने क्या किया था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की खोज करी या कंप्यूटर को बनाया, यू कह सकते हैं। खमीर की बात करते हैं, यीस्ट की बात की जा रही है, तो खमीर इज, यीस्ट इज क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ कवक जीवाणु वायरस अमीबा। देखिए, खमीर को खालिस्तान के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो खमीर का काम क्या होता है, जो खाद्य सामग्री होती है उसको फुलाने का काम होता है, जो बेकिंग वगैरह में यूज आते हैं, बेक को, है ना, बेक्स आइटम में, उसको फुलाने का काम कौन करता है, तो यीस्ट करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर किससे साथ होगा, कवक हो जाएगा, कवक के सदस्य के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कवक हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात हो रही है, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज, जैवलिना, अप्सरा, कामिनी, ध्रुवा। ऐसे चार ऑप्शन है, देखना है और बताना है।
तो कौन सा होगा? ये आपका 4th of August 1956 को फर्स्ट परमाणु रिएक्टर, जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसे क्या किया गया था, बनाया गया था। ये कौन सा है? तो क्या लगाया आप लोगों ने, जल्दी देखिए और बताइए कौन सा सही होगा। इस पे अभी नहीं लगाया, जैलिना, अप्सरा, कामिनी और ध्रुवा। तो अप्सरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 अगस्त 1956 को अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आए उसके पहले, जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर क्या है, इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले वैकेंसीज आना तय है। एमपीएसआई की वैकेंसीज आ सकती है, क्योंकि 17 के बाद वैकेंसीज नहीं आई। फिर पटवारी की बात करें तो लगभग 4500 पोस्ट आने की संभावना है। फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के लिए तो एक बार अनाउंस भी हुआ था कि हम पोस्ट निकालने वाले हैं। फिर नगर निगम में सब ग्रुप 2, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, ग्रुप 2, सब ग्रुप 1, इसकी वैकेंसीज आ सकती हैं, जिसमें आरआई, एआरआई मतलब असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्ट है। आरएचडीओ ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी की भी पोस्ट आने की संभावना है। तो हम तैयारी अपनी सुनिश्चित करें जल्दी से जल्दी। एमपी पुलिस कांस्टेबल की और भी वैकेंसीज आ सकती है, तो इसके लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो तैयारी कैसे करें उसकी बात हो रही है, तो तैयारी के लिए अगर बात की जाए तो आपको जीरो से हीरो व्यापक फाउंडेशन कोर्स हमारे द्वारा एक चलाया गया है, वो कोर्स को देखते हैं। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा को डाउनलोड करना है और सभी परीक्षाओं की व्यापम की एवं विषय सभी कवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ संपूर्ण सिलेबस होगा उसका और सभी अलग अलग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और उनके सब्जेक्ट जो टीचर होंगे फैकल्टीज वो पढ़ाएंगे। अभी से ज्वाइन करिए और आज से ही अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, ठीक है। तो ये तैयारी करने के लिए है। और आपको अगर ये परचेज करना है कोर्स, तो इसके लिए पीबी व्यापम सेलेक्ट करना है, यहाँ कोर्स पे क्लिक करना और जीरो से हीरो व्यापम पे व्यू कोर्स करके और डेमो लेक्चर देख लेना। अगर आपको परचेज करना है तो ये रेट डाला है नीचे, लेकिन पुनीत सर 40 डालेंगे 40, तो यहाँ पे 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आप इससे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अच्छा कोककारी कोयला क्या है? द बेस्ट कोकिंग कोल इज मेनली ऑब्टेंड फ्रॉम हियर, नेवली, रानीगंज, सिंगरौली, झरिया, तलचर। बताइए कहाँ से सबसे अच्छा कोकोरी कोयला, जो आपका कोककारी कोयला है, कोकिंग कोल कहाँ से मिलता है? भारत में सबसे अच्छा कोककारी कोयला कहाँ से मिलता है? चलो बताओ बताओ, जय श्री महाकाल, लगाओ लगाओ। उज्जैन 500 किलोमीटर है मेरे यहाँ से, ठीक है। झरिया सही है, अच्छा ठीक है, आगे चलें। और देखो झरिया तलचर की बात करें, है ना, यहाँ की बात करें, झरिया की बात करें, झरिया तलचर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे सबसे अच्छा कोयला मिलता है, आपका ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अपना झरिया वाला एरिया है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो झांसी कैपिटल, लखनऊ कैपिटल, इलाहाबाद कैपिटल, कानपुर कैपिटल, क्या इसकी कैपिटल है? देखिए और बताइए इसकी कैपिटल कौन सी है। देखिए 1921 की बात करें तो 1921 तक आपके यहाँ पे जो कैपिटल रही है इलाहाबाद, क्या रही है अभी बताइए, पहले आंसर लगा लीजिए जल्दी से। वी एन आर ई एन टी, हिमांशी गुप्ता, सी सी सी, पूनम जी, मेहंदीपुर नाम सुना, क्या है? हिमांशी गुप्ता, बी, चलो लगाते जाओ। वेरी गुड, अभी तो लखनऊ है, इसके पहले बताओ। देखो 1921 तो आपके यहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद रही है, इलाहाबाद को परिवर्तित कर दिया गया 1921 में, और 21 के बाद से फिर क्या हो गया आपका, लखनऊ हो गया, राइट। तो मतलब पहले आपका क्या था, इलाहाबाद था 21 तक, 21 के बाद से क्या हो गई, ये कैपिटल आपकी लखनऊ बना दी गई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कृष्णराज सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, जो नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण किया गया है वो नदी कौन सी है? तुंगा नदी, काली नदी, कावेरी नदी या सरावती नदी, कौन सी नदी पर कृष्णराज सागर बांध का निर्माण किया गया है? तो देखिए और बताइए कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कहां पर किया गया है। देखिए इसकी बात करें कृष्णराज सागर डैम की या कावेरी नदी पर है, ये तो है, ठीक है। ये आपका कर्नाटक, कौन सा, कर्नाटक और तमिलनाडु का, जो पूर्वी तमिलनाडु है इसकी सीमा पर बहती है नदी, ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलती है, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलेगी और आगे बहती है, और इसकी अगर लंबाई देखे तो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मिलती है, और इसी नदी पर कृष्णराज सागर डैम बना हुआ है।
ठीक है। फिर दूसरी बात, ये यहाँ पे कावेरी नदी का जल विवाद चलता है, किन राज्यों के बीच में बड़ा फेमस जल विवाद है, ये अपना सीधा सीधा यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में इसके पानी को लेकर बड़ा विवाद बना रहता है, जिसको टॉपिक ही है, एक बड़ा टॉपिक है कावेरी जल विवाद। पढ़ा होगा आप लोगों ने कावेरी जल विवाद। तो कावेरी नदी से निकलती है कहां से, आपका कर्नाटक के पास से निकलेगी आपकी, और आगे जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहां से निकलेगी और आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, और फिर इसके बाद इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 800 किलोमीटर है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इसके जल को लेकर विवाद रहता है, तो यह कावेरी जल विवाद के रूप में जाना जाएगा। तो नदी पर, तो कौन सी नदी, कावेरी नदी, राइट। आगे बढ़ेंगे, मोती मस्जिद की बात हो रही है। मोती मस्जिद कहाँ, इंदौर में, मथुरा में, आगरा में, कोच्ची में, तो मोती मस्जिद कहाँ पर है, चलिए जल्दी करिए, लगाते जाइए, बताते जाइए। मोती मस्जिद लगाओ, आंसर देखें कमेंट, क्या है कमेंट भाई साहब, वेरी गुड, क्या नाम है, पूनम राजपूत, वेरी गुड पूनम। चलो देखिए क्या है, आपने मोती मस्जिद के लिए बताया कौन सा, आगरा, ये 5960 की बात है, 5960 के आसपास इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, किसने निर्माण करा था, तो ये भी बता दो, औरंगजेब, है ना। अनुज भाई तो लाइव देख रहे हो तो यार मेरा पैसा दे दो यार, फोन उठाते नहीं हो तुम, ये क्या चल रहा है यहाँ पे है? ये क्या है, चलो पेंच नेशनल पार्क की बात करते हैं, वो उनके मित्र होंगे, है ना, चलिए तुम मजाक कर रहे होंगे, देखते हैं पेंच नेशनल पार्क के लिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, पेंच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो पेंच नेशनल पार्क की बात करें तो 1975 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, 257 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका एरिया है। ये जो लोकेशन है ये आपको मिलेगी कहां पर, सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जगह पर क्या मिल जाएगा आपको, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा, ठीक है। तो पेंच का नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां मिलेगा, सिवनी और छिंदवाड़ा की बॉर्डर पे, मतलब मध्य प्रदेश पे, 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था, 257 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका को खालिस्तान कहा जाता है, श्रीलंका इज कॉल्ड पश्चिम का मोती, पूरब का मोती, उत्तर का मोती, नन ऑफ द अबव, क्या होगा। तो चूंकि ये छोटा सा कैसा नारियल के शेप में है, कैसा बिल्कुल नारियल के शेप में है, और छोटा सा ये आइलैंड टाइप से है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो इसे देखा जाए, इसीलिए क्या कहा जाता है कि जैसे समंदर में एक मोती के समान है, तो इसे ये क्या कहा जाएगा, पूरब का मोती के रूप में जाना जाता है। श्रीलंका को पूरब के मोती के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अगर 0 डिग्री के देखा जाए तो ये कहां, इधर पे है, इसलिए सूर्य कहां से, इधर से, ईस्टर्न पार्ट से, और ये वेस्टर्न, तो इसलिए पूरब इसलिए लिया क्योंकि ये कहां पे है, ईस्टर्न पार्ट में, तो इसे पूरब का मोती कहा जाएगा। छोटा सा आइलैंड है और समुद्र में अकेला है, बिल्कुल, है ना। इनमें से किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, चलो देखते जाओ बताते जाओ, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। Which of these countries is called the land of midnight sun? Belgium, Germany, Norway or Greece? मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, पता हो, है ना आपको, किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। और नॉर्वे का क्या होता है राष्ट्रीय पशु, तो शेर होता है, क्या होता है, शेर होता है। नीदरलैंड का भी शेर होता है राष्ट्रीय पशु। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, लक्ष्मी रानी माझी किस खेल के साथ जुड़ी हुई है, लक्ष्मी रानी माझी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, क्या है, लक्ष्मी रानी माझी किस खेल के साथ जुड़ी हुई है, तो लक्ष्मी रानी माझी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, मुक्काबाजी, बांस कूद, या फिर शूटिंग, या तीरंदाजी, तीरंदाजी नहीं है वो आपका है क्या, तो वो अपना तीरंदाजी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, ये क्या है, लक्ष्मी माझी
तीरंदाजी से संबंधित है, 1989 के आसपास है ना, आंध्र, ये आपका कहां जन्म हुआ था, इनका झारखंड में जन्म हुआ था, करेक्ट आंसर लगाया आप लोगों ने, कहां जन्म हुआ था, तो झारखंड में इनका जन्म हुआ था, इनका नाम है लक्ष्मी रानी मांझी, लक्ष्मी रानी मांझी 1989 के आसपास झारखंड में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जो तीरंदाजी से संबंधित है। द फर्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन हु स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी इन क्रिकेट आउटसाइड इंडिया, पहले भारतीय टेस्ट कैप्टन भारत के बाहर क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारकर आए थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़, बताइए सही उत्तर बताइए फटाफट, कुछ बता दो, कुछ और फैक्ट्स बताओ इसके बारे में जल्दी जल्दी, तो मजा आए कि हाँ क्रिकेट प्रेमी है, क्योंकि ज्यादातर लड़के क्रिकेट प्रेमी होते हैं, है ना, बताओ जल्दी बताते जाओ। हाँ आंसर तो ठीक है बताया, कुछ और बताओ, ज्यादातर लड़के क्रिकेट प्रेमी होते हैं, ठीक है पूनम, लगाया आंसर, बस आंसर बस लगाओगे, चलो ठीक है आंसर बस लगाया है आप लोगों ने फिलहाल, विराट कोहली, अनिकेत राय हशियारी है, विराट कोहली, चलो भैया बिल्कुल सही है विराट कोहली, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उधार पात्रता निर्धारक एजेंसी नहीं है, Which of the following is not a lending agency in India? उधार पात्रता निर्धारण की एजेंसी नहीं है, अनिक्रा, ICRA, क्रेसल, सेबी, कौन सी इसमें से उधार पात्रता निर्धारण वाली एजेंसी नहीं है, चलिए देखिए और बताइए। 12 अप्रैल 1988 में यह बनाया गया था, जो कि आपका उधार पात्रता निर्धारण एजेंसी नहीं है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्या है, SECURITIES, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये नाम 12 अप्रैल 1988 में बनाया गया, 92 में इसका क्या आया था, एक्ट आया था, तो 92 में इसका क्या आया, अधिनियम आया। आगे चलते हैं, Which of the following state is the largest producer of tobacco? तंबाकू उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो तंबाकू आई कहां से, तो ये तो आपको मालूम है कि पुर्तगालियों की देन है क्या तंबाकू, सबसे ज्यादा उत्पादन तंबाकू का कौन सा राज्य करता है, चलो कमेंट करो आंसर बताओ, मुख्यालय मुंबई, बिल्कुल अनुराग ठाकुर जी, चलिए चलिए आंसर बताते जाइए, फिलहाल तो अभी आंसर नहीं आया इसका, क्वेश्चन नंबर 16, माधवीपुरी, बुचू, अनिकेत, वेरी गुड, चलो आंसर दे दिया है आपने, क्या आंसर है इसका, बिल्कुल सही आंसर है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो टबैको की बात की जाए आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन होता है, पुर्तगालियों की देन क्या है, तंबाकू और आलू है, फिर इसके बाद में संविदा शिक्षक की जो परीक्षा चल रही है उसकी टेस्ट सीरीज चलती है हमारे यहाँ पे, अभी स्टार्ट हुई है नई टेस्ट सीरीज, मैं भी शिक्षक है ना, इसके लिए प्ले स्टोर पे जाके परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, एमपी शिक्षक कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, टेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए, यहाँ से डेमो टेस्ट देके देखिए, और पुनीत सर 40 कोड का यूज करेंगे तो 40% का डिस्काउंट पाके, और ये कोर्स पे आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन वाज प्रॉपर, क्या है, प्रोपाउंडेड बाय मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सेकंड है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन थर्ड है, आरसी दत्त, ऑप्शन फोर्थ है, दादा भाई नौरे जी। देखिए एक्चुअली अपने यहाँ पे क्या था, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी चल रही थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है, धन निष्कासन का सिद्धांत, स्टार्टिंग में क्या था कि जब भारत अपना क्या देखा जाए एक प्रकार से कि भारत अपना क्या था, गुलाम था ब्रिटिशर्स के अंडर में, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि बहुत सारा हमारे यहाँ से क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में जब बहुत सारा माल खरीद रहे थे, कैसे कि मिर्च मसाले हमारे यहाँ से खरीद के ले जाते थे, अपने यहाँ पे उसको क्या करते थे, यूज करते थे, तो जो रानी थी, क्राउन थी, उन्हें किसी ने बताया कि आप अपने यहाँ का जो धन दौलत है, संपत्ति है, जो भी आपकी मोहरे है, ले जाके भारतीयों को देते हैं, और वो फसलों को कहां से, खेतों से ये लाते हैं और आपको दे देते हैं, इससे धीरे धीरे आपका धन भारत की तरफ जा रहा है, तो ऐसी कोई पद्धति बनाइए कि जिससे उनका आपके मतलब जो उनका मिनरल्स है
जो उनके मिर्च मसाले हैं वो भी आ जाए, और जो आप मोहरे दे रहे हैं वो मोहरे या जो धन दिया है आपने वो भी आपके पास आ जाए। तो ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम की बात है 1750 के आसपास की, कि इन लोगों ने क्या किया कि भाई जो कच्चा माल था वो कच्चा माल को अपने यहाँ पे लाते, उसको वेल फर्निश्ड कराते फैक्ट्रियों में, और फिर उसको ले आकर भारत में बेचते। तो जो पूंजी भारत के पास में उनकी इकट्ठा हुई थी वो दोबारा से वो किसके पास में जाने लग गई थी, किसके पास में, इंग्लैंड में या इनके ब्रिटिशर्स के पास में। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने बताया कि धन निष्कासन का सिद्धांत चल रहा है, कि अब अपने यहाँ का धन धीरे धीरे पलायन कर रहा है कहाँ की ओर, ब्रिटेन की ओर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें दादा भाई नौरोजी साहब सही हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे। रिचर्ड अटनबरो की मशहूर फिल्म गांधी में जिसने महात्मा गांधी की भूमिका अदा करी थी वो कौन थे, जो महात्मा गांधी की भूमिका अदा करी थी जिन्होंने वो कौन थे, तो बताइए, बैंक किंग्सले थी, परेश रावल थे, डीनो मौर्या थी या ओम पुरी थे, कौन थे जिनने महात्मा गांधी का रोल प्ले किया था। सभी ने देखी होगी, सभी ने देखी होगी ये मूवी, हम मतलब मुझे तो विश्वास है सबने देखी होगी, है ना, सबने ये मूवी जरूर देखी होगी। बताइए लगाओ लगाओ बताओ। बैन किंग्सले ने महात्मा गांधी का रोल अदा किया था, क्या नाम है, बैन किंग्सले। फिर अगला क्वेश्चन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये प्रसिद्ध शब्द किसने कहा, हर जगह लिखे होते हैं आजकल ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं बताओ। चलिए 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 बोलते जाइए फटाफट कमेंट करो जल्दी जल्दी। मैंने नहीं देखी, देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है महात्मा गांधी की। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, और 12 जनवरी को युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी, इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त है, क्या है, नरेंद्रनाथ दत्त है, बहुत आइडियल पर्सन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के आइडियल स्वामी विवेकानंद जी हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ये इनके द्वारा ही दिया गया कथन था। जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 में, इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। ठीक है, और एक और बात कि युवा दिवस को इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही मनाया जाता, 12 जनवरी को। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा इंडिया, शीला दीक्षित, दिल्ली चले जाओ, सुषमा स्वराज, ठीक है उनको तो जानते ही हैं, सुमित्रा महाजन, ताई जी, मीरा कुमार, विच वन इज करेक्ट, कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा, देखो और बताओ। भारत की पहली महिला क्या है, लोकसभा अध्यक्षा। चलिए चलिए कमेंट करो। मीरा कुमार, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, मीरा कुमार, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। आपने इनकी स्माइल देखी होगी, बहुत प्यारी महिला, बहुत अच्छी महिला थी ये, लोकसभा में पहली बार क्या बनी थी, आपकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले जो, क्या नाम था उनका, जगजीवन राम करके है ना, उनकी पुत्री है शायद ये। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, मीरा कुमार सही उत्तर है। भारतीय जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है, क्या नाम है, भारतीय जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो देखिए नोबेल की बात की जाए, 1913 में सबसे पहले किसे मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर वाला जो मिला किसे मिला, विक्रम साराभाई को नहीं मिला, जेसी बोस को नहीं मिला, डॉक्टर सीवी रमन बचे, तो डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में मिला था, किसे मिला था, डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में मिला था फिजिक्स के लिए नोबेल, किसके लिए मिला था, फिजिक्स के लिए नोबेल सीवी रमन को 1930 में मिला था। राइट, ये आंसर आप लोगों ने लगा लिया है। ठीक है, चलिए ये आगे बढ़ा दूं मैं, अभी तक ये सेशन आगे बढ़ाया ही नहीं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 22 आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्मली अ प्रोटेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्व में भारत का संरक्षित राज्य था, सबसे ज्यादा संरक्षण की इसको जरूरत पड़ती थी, पूर्व का राज्य है और संरक्षित राज्य था, है ना, थोड़ा विवादित रहता था, कई बार विभाजन भी हुआ है, तो कौन सा है जो पूर्व में सबसे ज्यादा संरक्षित राज्य रहा है। तो आपको पता होगा संरक्षित राज्य के लिए आप बिल्कुल क्लियर टिक कर सकते हैं, इसमें सिक्किम इज अ राइट ऑप्शन, सिक्किम के साथ जाएंगे, सिक्किम इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज अडॉप्टेड। देखिए इनमें से किससे मौलिक अधिकारों का विचार अपनाया गया था। एक्चुअली बात है 1215 की, 1215 में क्या नाम था, सम्राट जॉन, है ना। सम्राट जॉन ने क्या किया था, ब्रिटेन में अपने यहां पर नागरिकों को क्या दिए थे, पहली बार उनके कुछ अधिकार दिए गए थे, है ना। और वही आगे चल के मौलिक अधिकार का रूप हुआ। इसके बाद ये ब्रिटेन से कहां पर आया, अगर देखा जाए तो ये यूएस आया। और यूएस का जो हमने फंडामेंटल राइट अपनाया वो कहां अपनाया, तो भारत में अपनाया। तो ये मौलिक अधिकारों को हमने कहां से लिया है, तो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की बात की जाए कहां पे है, तो संविधान के भाग 3 में है। कहां से कहां तक जाता है, 12 से लेकर 35 तक जाता है। 12 में परिभाषा, 13 में राज्य कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो क्या करेगा, मौलिक अधिकारों की सीमा को कम करेगा। और 14 से लेकर आपके 32 तक जाते हैं 6 मौलिक अधिकार। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार बचेंगे, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकारों के लिए बात होगी कि कहां से लिया गया, कहां से ये विचार अपनाया गया, तो अमेरिका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के साथ जाओगे तो ऐसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। चाइना और पाकिस्तान के साथ में कुछ भी नहीं, पाकिस्तान अपने बाद ही तो आया है, है ना। नेक्स्ट वन, हु डिसाइडेड वेदर द बिल इज अ मनी बिल, बिल और एक्ट, डिफरेंस बिटवीन बिल और एक्ट। तो ये अपन पहले बिल देखते हैं, एक्ट देखते हैं। बिल का हिंदी मीनिंग होता है क्या, विधेयक। एक्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अधिनियम, ठीक है। अब देखिए बिल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ पे पार्लियामेंट है, इसको समझना, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब किसकी बात हो रही है, संसद की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 के अनुसार 3 पार्ट होते हैं, कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अब कोई भी नियम बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, तो दोनों हाउसेस से उसे क्या कराना पड़ेगा, आपको पास कराना पड़ेगा। और जब दोनों हाउसेस से वो बिल पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट के जब उस पर साइन हो जाएंगे, तो अब हम उसे एक्ट के नाम से जानेंगे। मतलब कोई बिल तब तक बिल होता है जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना कर दे। क्या समझ में आया, कोई बिल तब तक बिल होता है जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना कर दे, तो वो बिल है। और अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे तो वह क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अब बात आती है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, यह कौन बताता है, कोई बिल, एनी बिल, अ मनी बिल और नॉट, तो ये मनी बिल है कि नहीं है कौन बताएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है। लोकसभा का जो चेयरमैन होता है वह यह निर्णय लेता है कि कोई बिल मनी बिल है भी या फिर नॉर्मल बिल है। लेकिन लेकिन सदन में आने से पहले इसके बारे में कौन बताता, तो राष्ट्रपति बताता है। समझ में आया, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है, तो निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष, और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही यह क्या किया जाता है, सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। फिर इसके बाद ये नॉर्मल सा है, जब ब्रिटिश अधिकारी जनरल ट्रेनर ने उनकी पुनः खोज की थी 1818 तक, इसे लगभग खो चुका था। ये कौन सा राज्य था जिसे 1818 तक उसे खो दिया था, कौन सा राज्य था, तो ये उत्तर प्रदेश है। जान लीजिए कि ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने दोबारा से उत्तर प्रदेश की खोज की थी, 1818 तक लगभग इसे भुला ही दिया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलर एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी क्वेश्चन है, पंजाब केसरी से संबंधित लगाइए। हाँ, पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय कौन थे, तो लाला लाजपत राय, कौन भैया, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा दक्षिणी विजय किए थी, सबसे ज्यादा दक्षिण विजय किए थे, लगभग 7 राज्यों को, 7 राजाओं को लगातार हरा के ये आगे बढ़े थे, और उसी समय से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा, जैसा नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, उसी प्रकार से। क्या नाम था, तो सबको पता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द दीज वाज कंस्ट्रक्टेड इन द लॉन्गेस्ट टाइम, इनमें से किसका निर्माण सबसे लंबे समय में हुआ था, ताजमहल, कॉमनवेल्थ गेम, या हवा महल, या संसद भवन, इनमें से किसका निर्माण सबसे लंबे समय में हुआ था। 1631 से इसका निर्माण शुरू हो गया था, 1652 तक निर्माण हुआ था, मतलब 2 में 1 गया, 1, 5 में 3 गया, 2, लगभग 21-22 सालों तक इसका निर्माण कराया गया था, ताजमहल का शाहजहां ने बनवाया था, है ना। तो ये 21-22 सालों तक लगभग इसका निर्माण कार्य चला था, सबसे लंबे समय तक इसका निर्माण कार्य चला था। वेदांग से बने होते हैं, वेदांग की बात हो रही है, तो वेदांग क्या होते हैं, वेदों के अंग, या वेद को और आसान भाषा में समझने के लिए वेदांग बनाए गए।
वेदांग कौन कौन से होते हैं? छह प्रकार के वेदांग होते हैं। अब वो छह कौन कौन से होते हैं? जैसे वेद चार होते हैं, चलिए देखिए वेदों की अगर बात की जाए तो वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं। जो शुरुआती तीन वेद होते हैं वो वेद त्रयी में आते हैं। अथर्ववेद जो तंत्र मंत्र जादू टोने का है वो इसमें नहीं आता है। फिर आगे चलेंगे, वेद के बाद वेदांग बने तो कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद है ना, और ज्योतिष, ये सब क्या होते हैं? आपके वेदांत होते हैं। पुराणों की बात की जाए तो पुराण कितने होते हैं? आपके 18 होते हैं, ठीक है ना। संस्कार की बात की जाए तो संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। ये प्रश्न आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग? रेसलिंग में, कुश्ती में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हरवंत कौर, साक्षी मलिक, ललिता बाबर, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये आपके पास में ऑप्शन है, देखें और बताएं। कांस्य पदक जीतने वाली तो हो गई कौन आपकी? कर्णम मल्लेश्वरी, तो ये आंसर नहीं होगा। ललिता बाबर तो सुना नहीं, हरवंत कौर और साक्षी मलिक बची तो हरवंत कौर है नहीं। साक्षी मलिक क्या है? 58 केजी से लेकर ये 62 केजी तक के रेसलिंग चैंपियनशिप, मतलब कुश्ती में ये क्या करती है? वेटलिफ्टिंग करने का काम करती है, ठीक है। तो ये अपना सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन? 20 करेक्ट। नेक्स्ट, किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? ऑन व्हिच डे कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड? 26 जनवरी, 26 जून, 26 जुलाई, 26 सितंबर। अगर ये 26 ना होता, 16 हो जाता, तो ये क्या बन जाता बता दो जरा? 16 सितंबर को कौन सा दिवस? फटाफट, चलो 26 जुलाई को तो आपका हो जाएगा कारगिल डे। कमेंट किया कि नहीं किया? कमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हाँ जी, 26 जुलाई सही है। सी 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 26 जुलाई सही है, ठीक है। ये तो हो गया, और भी कमेंट करते जाओ, चलो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? अगर मध्य प्रदेश की अपन बात करें, जो आज का वर्तमान मध्य प्रदेश है, इसमें अभी जिलों की संख्या के लिए पूछ रहा है कि जिलों की संख्या कितनी है बताइए, ठीक है। तो जिलों की संख्या के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वर्तमान में अभी हमारे पास में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। मूल रूप से जब मध्य प्रदेश का क्या हुआ था? गठन हुआ था। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय कुल कितने जिले थे? 43 जिले थे, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बढ़े हम, तो 1972 की बात है, 72 में 2 जिले बनते हैं, भोपाल और राजनंदगांव। तो ये संख्या 2 से बढ़ाकर कितनी हो जाती है यहाँ पर? 45 हो जाती है। और भोपाल को राजधानी पहले ही बना दिया गया था, और फिर 9वां संभाग यहाँ पे कौन सा हो जाता है? भोपाल हो जाता है। तो 9वां संभाग भोपाल और 45 जिले हो जाते हैं, कब में? 72 में। आगे चलते हैं यहाँ पे अपन, तो ये बात है आपकी क्या, मई 1998 की। कब की? मई 1998 की। 25 मई 1998 में 10 नए जिले बनते हैं, तो 45 10 55 हो जाते हैं। फिर आपका जून की बात है, यहाँ पे 6 जिले और बनते हैं। ये आपकी पहली वाली जो थी बीपी दुबे कमेटी, और ये वाली थी आपकी सिंहदेव कमेटी। तो जिलों की संख्या हो जाती है कितनी आपकी? 61 हो जाती है। अब बात है सन 2000 की, तो सन 2000 में 31 अक्टूबर 2000 में ये आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ जिले को बनाना है। तो 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ नया जिला बना, और हमने इसको 16 जिले दे दिए। कितने जिले दे दिए? 16 जिले, 3 संभाग, ठीक है। तो ये हमारे पास में संख्या कितनी हो जाएगी फिर से? तो ये संख्या हो जाएगी अपने पास में 45। अब क्या होगा? 45 के बाद में फिर से हमें जिले बनाने पड़ेंगे। तो 2002 में बोस समिति बनती है, ठीक है। तो बोस कमेटी की अनुशंसा पर 3 नए जिले बनाए जाएंगे, कब? 2003 में। तो ये ए बी ए, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। अशोकनगर कहां से? तो अशोकनगर गुना से, बुरहानपुर खंडवा से, ठीक है। और अनूपपुर कहां से? आपका शहडोल से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और यहां पर 45 और 3 और जिले बनेंगे, तो ये संख्या 48 हो जाती है। फिर 17 मई और 24 मई की बात है 2008 की, तो एक पश्चिमी जिला बनेगा, एक पूर्वी जिला बनेगा, तो अलीराजपुर बनेगा, और फिर इसके बाद में क्या बनेगा? सिंगरौली। तो जिलों की संख्या हो जाएगी 50। फिर 2013 की बात होगी, 2013 में साजापुर से अलग होकर कौन सा? आगर जिला बनेगा, तो संख्या हो जाएगी 51। और फिर निवाड़ी जिला बनेगा, तो संख्या हो जाएगी 52। इस प्रकार से यह 52 संख्या हो गई। चलो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अभी यहाँ पे अभी के हिसाब से 52 बताना है। नॉर्मली आप 51 मत बताइएगा,
है ना। अगर पिछला प्रश्न भले ही सॉल्व कर रहे हैं तो अगर मैंने आज के हिसाब से डाला है तो यहाँ पे 52 बताइएगा, क्या बन छोड़ो उसको मत लगाओ, यहाँ 52 बताना, ठीक है ना। चल नया हो गया ना इसलिए बोला है। मजदूर दिवस लेबर डे की बात करेंगे, लेबर डे, ठीक है। तो लेबर डे की बात करेंगे, लेबर डे कब मनाया जाता है, मजदूरी वाला दिवस यार, मजदूर दिवस, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा, लेबर डे की बात करेंगे कब मनाते हैं, देख लीजिए बी वाला ऑप्शन लगा दीजिए, ये आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये अपना हो गया, लेबर डे भी अपना कौन से तारीख का हो जाएगा, 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, या यूं कहा जाए मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एमपी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होने की संभावना है कि कभी ना कभी ये जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आउट कर सकते हैं, तो इसमें तैयारी कौन करेगा, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की, तो जो लोग पुलिस बन चुके हैं चयनित अभ्यर्थी हैं वो भी करेंगे, जो चयन नहीं हुआ है वो भी करेंगे, और साथ ही साथ जिनने ग्रेजुएशन कर लिया है वो भी एमपी पुलिस की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। और बात करें अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थी जो भी होंगे वो भी एमपी पुलिस की प्रिपरेशन करेंगे, राइट। इसके बाद में एमपीपीएससी के ऐसे बच्चे जिनका क्या हुआ है कि कंप्लीट हो चुका है लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, किसी कारण से रुक जा रहे हैं, या कि फिर पेपर दे रहे हैं तो रुकते हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी देते हैं। और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, क्योंकि जलवा तो केवल डबल स्टार का ही होता है ना, जलवा केवल स्टार का ही होता है, तो अगर स्टार लगाना है, तैयारी करना है, तो आपको ये रक्षक एमपीएसआई का कंप्लीट कोर्स क्या करना है यहां से देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, है ना। सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के द्वारा कवर कराए जाएंगे। और दूसरी बात, अभी से ज्वाइन करिए क्योंकि तैयारी अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी, तब तो आगे जाके आप क्या कर पाएंगे उसमें अच्छे तरीके से पारंगत हो पाएंगे और आपकी तरीके की तैयारी होगी, अन्यथा वो देरी हो जाएगी। और इसके लिए आपको परचेज करना है, तो कूपन कोड पुनीत सब पुट्टी लगाना और आप इसे क्या कर पाएंगे, प्रॉपर परचेज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका रक्षक वाला एसआई का कोर्स। अब चलिए इसके बाद में आपसे जो मुलाकात होगी हमारी, तो अगली क्लास में होगी, फिलहाल शाम की क्लास 7 बजे रीजनिंग वाले सर के साथ में आपकी क्लास होगी, तो आपकी मुलाकात शाम में रीजनिंग वाले सर से होगी, और कल के सेशन सेम उसी प्रकार से होंगे जैसे आज के थे, बस एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी चीज जो है ईवीएस, ठीक है। तो शाम से कल में आपका ईवीएस की भी क्लास शुरू होगी। तो चलिए सेशन को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है व्यापम का एक फाउंडेशन कोर्स। इस व्यापम के फाउंडेशन कोर्स के अंदर व्यापम में जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, चाहे फिर वो आपका एमपीएसआई हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, आपका जेल प्रहरी हो, नगर निगम का हो, अकाउंट ऑफिसर हो, पटवारी का हो, इनके अलावा भी जितने भी आपके एग्जाम होंगे, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की आपके बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी करा दी जाएगी। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर वहां पर आपको व्यापम 0 से हीरो नाम से ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स से जुड़ने के लिए SOMSIR40 एक रेफरल कोड का यूज करना है, इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस कोर्स से